हाय गाइज, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पोकन क्लास। और यहाँ पर आज हम सीखेंगे स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ का हिंदी में मतलब होता है अगर डैड डैड डैश की बात करें तो। और यहाँ पर दोस्तों अगर के बाद आप जिसकी बात करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि जिसकी आप बात करना चाहते हैं उसको लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल में है, अगर मोहन की बात करें तो वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर मोहन की बात करें तो वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, इसको हम कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्पीकिंग ऑफ लिख देना है। उसके बाद हमको कोई नाउन, यानी कि यहाँ पर जो होगा डेड डैश की जगह पर जो होगा उसको आप लिखना है। उसके बाद आपको एक सेंटेंस लिख देना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा अगर मोहन की बात करें तो वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीकिंग ऑफ मोहन। यहां पर लिखेंगे स्पीकिंग ऑफ, उसके बाद क्या लिख देंगे, मोहन, यानी जिसकी बात करें मोहन, उसके बाद कामा, उसके बाद लिखना है फिर एक सेंटेंस। यहां पर लिखा है वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यानी ही इज नॉट अ गुड बॉय, अ गुड, और यहां पर लिख दीजिए बॉय। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है अगर आईएएस की एग्जाम की बात करें तो यह देश में सबसे कठिन पेपर है या सबसे कठिन एग्जाम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीकिंग ऑफ, उसके बाद जिसकी बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं, आईएएस की एग्जाम की, तो द एग्जाम ऑफ आईएएस, कामा लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है यह देश में सबसे कठिन पेपर है, तो ये के लिए इट इज, और सबसे कठिन, सबसे कठिन क्या है, पेपर, सबसे कठिन पेपर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे द हार्डेस्ट। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, द हार्डेस्ट सबसे कठिन, और पेपर यानी एग्जाम कहाँ है, इन देश, यानी कि देश में है, तो इन होल कंट्री यानी पूरे देश में, होल कंट्री, इन होल कंट्री। अगला एग्जाम्पल अगर पढ़ाई की बात करें तो वो पढ़ाई में बहुत काम चोर है, ये जोर नहीं काम चोर है, काम चोर है। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो वो पढ़ाई में बहुत काम चोर, स्पीकिंग ऑफ, स्पीकिंग ऑफ स्टडी, उसके बाद तो के लिए कामा लगाएंगे, वह बहुत कामचोर है, ही इज अ वेरी, कामचोर के लिए डूडल, डूडल, उसके बाद काहे में, इन स्टडी यानी पढ़ाई में, इन स्टडी। अगला एग्जाम्पल है अगर उसकी बात करें तो वह बहुत भाग्यशाली है, तो यहां पर लिखेंगे स्पीकिंग ऑफ हिम, तो के लिए कामा, वह बहुत भाग्यशाली है, ही इज वेरी लकी। अगला एग्जाम्पल अगर बिल गेट्स की बात करें तो वह विश्व में या पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीकिंग ऑफ बिल गेट्स, विल गेट्स, उसके बाद तो के लिए कामा, वह विश्व में सबसे अमीर आदमी है, तो ही इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट यानी सबसे अमीर आदमी के लिए, मैन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। अगला एग्जाम्पल यहां पर लिखा है अगर तुम्हारी जीएफ यानी गर्लफ्रेंड की बात करें तो वह लाखों में एक है। कभी कभार दोस्त लोग कहने लगते हैं कि यार अगर तुम्हारी जीएफ यानी गर्लफ्रेंड की बात करें तो वो लाखों में एक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसके लिए इसको आप कैसे बोलेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले स्पीकिंग ऑफ योर जीएफ, योर जीएफ, उसके बाद तो के लिए कामा लगाएंगे, वो लाखों में एक है, तो वो यानी सी लाखों में एक है, इज वन ऑफ
मिलियंस ऑफ मिलियंस, यानी कि वो लाखों लोगों में से एक है। अगला एग्जाम्पल, यहां पर अगला लिखा है, अगर इस सवाल की बात करें तो ये बहुत सरल सवाल है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पीकिंग ऑफ इस सवाल, यानी दिस सवाल होता है सम, सम माने सवाल, तो के लिए कामा, ये बहुत सरल सवाल है, इट इज अ वेरी इजी सम। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल, अगला लिखा है, अगर उस मूवी की बात करें तो वह मूवी अच्छी नहीं थी, यानी आप कोई मूवी देख लिए हो और उसके बाद आपको कहना हो कि कोई बात कर रहा हो कि यार वो मूवी अच्छी थी या नहीं, तो आप कह सकते हैं वहां पर कि अगर उस मूवी की बात करें तो वो मूवी अच्छी नहीं थी, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप, स्पीकिंग ऑफ उसके बाद वो मूवी, यानी दैट मूवी उसके बाद कामा लगा देना है, वह मूवी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर दैट, यानी कि दैट की जगह यहाँ पर आप इट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए इट। इट का यूज इसलिए हुआ रहा क्योंकि यहाँ पर दैट मूवी नाउन रिवीट हो रहा है, तो नाउन रिवीट के लिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग कर देंगे, तो वो मूवी अच्छी नहीं थी, तो इट वाज नॉट गुड, नॉट गुड। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, स्पीकिंग ऑफ दैट मूवी इट वाज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं थी, यानी कि वो मूवी, यानी कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों इस तरह से आप स्पीकिंग ऑफ का प्रयोग करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेन ऑल नोटिफिकेशन एंड मोर वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।